दीप राजन और अरुणिता कांजीलाल आज सिंगिंग की दुनिया में छाए हुए हैं। उनके आवाज के सभी दीवाने हैं, आम लोग से लेकर सेलेब्स भी पवनदीप के पहाड़ी आवाज के मुरीद हैं। पवनदीप राजन और अरुणिता के म्यूजिक वीडियो या एल्बम्स का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और सभी बेसब्री से इंतजार करते भी हैं। पवनदीप अरुणिता इंडियन आइडल 12 से ही सबके दिल में घर बना चुके हैं। दोनों हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं। दोनों के डुएट को सभी खूब पसंद करते हैं। इंडियन आइडल 12 के मंच पर दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो बात जिसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे, कैसे अरुणिता और पवनदीप राजन को धोखा मिला। अगर आपने इंडियन आइडल 12 का सीजन देखा होगा तो आपको याद ही होगा, पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल को बड़े बड़े म्यूजिक कंपनी और प्रोडक्शन हाउस से गाने के ऑफर मिले थे। दोनों ने कई एग्रीमेंट पेपर पर साइन भी किया था, मगर अब तक दोनों को किसी भी ऐसे कंपनी के लिए आवाज देते नहीं देखा गया। आपको बता दें कि आखिर किस किस ने पवनदीप और अरुणिता को ये ऑफर दिए थे। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल थे। हालांकि कुछ कंपनी ने अपना वादा पूरा भी किया, मगर कुछ बड़े कंपनी ने अब तक उन्हें मौका नहीं दिया है। शुरुआत करते हैं करण जौहर से। इंडियन आइडल के मंच पर जब करण जौहर आए थे, तब उन्होंने पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल को ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी कोई भी फिल्म आएगी तो उसमें आप दोनों का आवाज जरूर होगा। करण जौहर ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। हालांकि अब तक करण जौहर की किसी भी फिल्म में अरुणिता और पवनदीप सिंगिंग करते नहीं दिखे। शायद दोनों को अब तक करण ने मौका ही नहीं दिया। हालांकि पवनदीप और अरुणिता ने इस पर अब तक कुछ नहीं कहा है। अब बात करते हैं मनोज मुंतशिर की। उन्होंने भी पवनदीप राजन से वादा किया था कि वो पवनदीप राजन और आशीष कुलकर्णी को टी सीरीज के लिए गाना गाने का मौका देंगे। हालांकि मनोज ने दोनों को भूषण कुमार से मिलवाया जरूर था, मगर अब तक पवनदीप राजन को टी सीरीज के लिए आवाज देते नहीं देखा गया। वहीं आशीष का तो अब कुछ अता पता भी नहीं है। पवनदीप और आशीष ने दोनों साथ में काम करने का प्लान भी किया था। बप्पी जी अब इस दुनिया में नहीं है, मगर बप्पी दा ने भी पवनदीप और अरुणिता दोनों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था, मगर उन्होंने भी अरुदीप का कोई भी सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं किया। पवनदीप राजन का बप्पी दा के साथ काम करने का सपना तो अब सपना ही बन गया। शायद अब यह कहना गलत नहीं होगा कि क्या अरुदीप के साथ धोखा हुआ है या फिर ये सब बस मेकर्स की एक चाल थी। वैसे आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें मियो वॉल्फ को।